नमस्कार साथियों, जिस तरह से लगातार जो है प्रयागराज में घटनाएं घट रही हैं और आज जो है 30 तारीख है, सुभाष चौराहे पर धरना किया जा रहा है और धरने पे मौजूद हैं साथी लोग। जानने की कोशिश करेंगे लगातार जिस तरह से बीजेपी सरकार में जो है अत्याचार बढ़ रहा है, ये इन लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या परिचय है? राम सिंह पासी समाज से हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ये पासी समाज के ऊपर जो अत्याचार बढ़ गया है इस गवर्नमेंट सरकार में, अभी 5 महीने के अंदर जो है इलाहाबाद में 8 पासियों की हत्या हो चुकी है। खुलासा नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, इनका प्रशासन एकदम बेकार निकल रहा है। शासन के कहने के अनुसार जो शासन आज ढिढोरा पीट रही है कि यहाँ बड़ा शांति है, लेकिन शांति तो कहीं नहीं दिखता है, चारों तरफ अशांति है। आज ये सिविल लाइन में प्रयागराज के सुभाष चौराहे के नीचे ये जो कैंडल मार्च हो रही है, इसकी शुरुआत हाईकोर्ट से हो गई है। अब इसका जो है मैसेज पूरे देश में जाएगा, पूरे प्रदेश में जाएगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो योगी शासन के खिलाफ हम लोग लंबा धरना प्रदर्शन करेंगे और लखनऊ में जाकर करें। जो इन लोगों ने पुलिस कार्रवाई किया है उससे संतुष्ट नहीं है लोग। 4 हत्याएं हुई हैं और 4 हत्याओं में एक आदमी को इन्होंने उसी समाज के लोगों को मुलजिम बना दिया है। समाज का मांग है कि इसकी सीबीआई निष्पक्ष जांच हो, तब जा करके समाज संतुष्ट रहेगा। उस लड़के का नाम जो है पवन सरोज है जी, हाँ, और लगातार उसको फंसाया जा रहा है, पेपर कटिंग निकल रही है, लेकिन घर के लोग संतुष्ट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा शासन और प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी दलित समाज खासकर पासी समाज का जुलाई महीने से लेकर अभी तक 8 हत्याएं हुई हैं, 8 हत्याओं का खुलासा नहीं हुआ, जो भी हुआ है लीपापोती हुई है। मैं शासन प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि दलितों के साथ पासी समाज के साथ ऐसा भेदभाव न करें, क्योंकि ये भी अगर आप कहते हैं हिंदू समाज में पासी समाज होना गुनाह है, तो खुलेआम जो है शासन से आदेश दे दीजिए कि पासी समाज जो है कोई दूसरा धर्म अपना ले। अगर इसी तरह अत्याचार होगा तो पासी समाज दूसरा धर्म अपनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। यहाँ पर जो है 8 हत्याएं 3-4 महीने में होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन और यहाँ का जो भी है, जो भी जिम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, 2017 से लगातार जो है प्रयागराज के अंदर जो है पासी समाज में 6 सामूहिक हत्याएं हो चुकी है लगातार, चाहे वो सोराम हो, चाहे वो नवाबगंज हो, चाहे वो मसनी हो, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा, हमारा नाम इंद्रलाल पासी है, मैं परिवहन विभाग से आता हूँ, सर्विस में हूँ। ये तो अत्याचार पहले से चला आ रहा है, अब थोड़ा ज़्यादा ये तेज़ी पकड़ लिया है, और ये जो हत्यारे उनको तो पकड़ ही नहीं रहे हैं, गलत आदमी को पकड़ के और अपना ये पल्ला झाड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पेवर हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं, ऐसा ना है कि दो फाँके में ये बांट दें। अभी तो ये थोड़ा आंदोलन चल रहा है, अभी पूरे उत्तर प्रदेश में ये फैल जाएगा। आपके देखते देखते आपके चैनल के माध्यम से आप दिखाएंगे खुद कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये लगातार चलेगा। भाई, हमारे प्लानिंग चल रही है कि लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा और पूरे उत्तर प्रदेश से पासी समाज आएगा। आपने सुना ना कि अब ये धरना रुकने वाला नहीं है, इलाहाबाद से लखनऊ के लिए भी जाएगा। और आइए आपको दिखाते हैं, कैंडल मार्च चल रहा है आगे, इसलिए मैंने सोचा कि प्रशासन कुछ करेगी, लेकिन हमको प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं, अब सीबीआई जांच चाहिए हमें बस। पुलिस बबली सिंह के यहाँ नाश्ता करती थी, अभी जो जांच में है दरोगा एसआईजीडी सुरेंद्र सिंह यादव, उनको हटाया नहीं गया। हम उनको हटाने की मांग करते हैं, क्योंकि इसमें लीपापोती कर दिए। हमको न्याय चाहिए, जो दोषी हो उसको सजा मिलना चाहिए, ये नहीं कि किसी को पकड़ के बंद कर दो बस न्याय मिल गया। चार आदमी को मारने में एक व्यक्ति को चलान किया गया, सब लीपापोती हो गई। हमको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ये हत्या नहीं, ये नरसंहार है, और ये घटना हम लोगों को झकझोर कर रखती है। ये पीड़ा, ये दर्द हम बयां नहीं कर सकते हैं अपने शब्दों से जो हमारे मन में है। साथियों, ये पहली घटना नहीं है, ये हमारे समाज के साथ
निरंतर ऐसे लगातार घटनाएं होती हैं। हम लोगों ने इस तरीके से कई घटनाओं से रूबरू हो चुके हैं और आज की आवाज जो है, मैं यही कहूंगा इस तरीके घटनाओं को हम लोगों को यहाँ मोमबत्ती जला करके घरों में बैठना नहीं है। अगर हम लोग, क्योंकि पहली घटनाओं से हम लोग सबक नहीं लेते हैं और दोबारा इसी पुनरावृत्ति हो जाती है, अगर हम लोग पहले घटनाओं से सबक लेकर हम गलतियां दोहराते रहेंगे, अपराधियों को, अन्यायियों को, अत्याचारियों को, बलात्कारियों को जब तक हम सत्ता से उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे तब तक हमारे समाज के साथ अन्याय होता रहेगा। हमारे साथ में परिवार के ही सदस्य जुड़ चुके हैं, उनके भाई लगते हैं, इनका बयान जानना चाहेंगे, क्या बयान देते हैं, तो क्या कहते हैं इस मैटर को लेकर? मैं तो प्रशासन के ऊपर भरोसा किया था लेकिन प्रशासन लीपापोती कर दी। हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें न्याय चाहिए, जो दोषी हो उसको सजा मिलना चाहिए, बस। ये नहीं कि दूसरे को पकड़ के बैठा दिया, उसको जेल भेज दिया, बस। हमको न्याय चाहिए, जो दोषी हो उसको सजा मिलना चाहिए, बस यही हमारी। जो नाम खुलकर आ रहा है आरोपी का, पवन सरोज, क्या उससे संतुष्ट नहीं है? क्या नहीं संतुष्ट है? एक आदमी चार आदमी को मार सकता है, पागल आदमी, वो भी कैसा आदमी है देखे होंगे पेपर में, उसमें। आगे की मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है सीबीआई जांच होना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे को पकड़ के दूसरा को सजा दे दो, ये हमको नहीं चाहिए। न्याय के लिए कहाँ तक जाएंगे आप लोग? जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक हम जाएंगे, हमें न्याय चाहिए, बस। इसके लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। आप लोगों ने सुना कि जो है, जो खुलासा हुआ है पेपर कटिंग के द्वारा, पवन सरोज का नाम आया है, सनकी आशिक जो है चार कत्ल कर दिया, लेकिन घर के लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं और न्याय के लिए लगातार धरना दे रहे हैं। अभी इस समय सुभाष चौराहे पर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं न्याय के लिए हम जो है लखनऊ तक जाएंगे। और इसी के साथ चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए।